अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों के बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं 2-3 दिन से लाइव वीडियो नहीं कर पा रहा, हालांकि मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स और जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं वो काफ़ी कंडक्ट की। तो मोस्ट ऑफ़ यू आर वेल अवेयर दैट आई वॉज लाइक ऑन ऑफिशियल ट्रेनिंग एट लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर, और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो भी उसी के ऊपर है, क्योंकि द ट्रेनर जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी वाज आल्सो अ ग्रेट पोजेस इंटरेस्ट इन क्रिकेट। सो उसी पे थोड़ी बात करेंगे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, और कैसे उन्होंने एनालॉजी की और कैसे उन्होंने अपनी एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझाया। और बाबर आजम की एग्जाम्पल्स दी, सचिन की एग्जाम्पल दी, तो थोड़ा सा मैंने टेक अवेज जो लिए हैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि इफेक्टिव लीडरशिप हमने क्या पढ़ी, रेजोनेंट लीडरशिप क्या थी, इंडिविजुअली क्वालिटी लीडर्स में क्या क्या इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो वो पोजेस करता है। और बेहतर सा टॉपिक दैट वाज लाइक वेरी वेरी लॉन्ग, और मैंने जो बस छोटे से टेक अवेज लिए हैं और जो एग्जांपल्स क्रिकेट से रेलेवेंट थी वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। किस तरह थेरीज़ की एवोल्यूशन हुई लीडर बाय लीडर, जो पुराने लोग थे उनके क्या क्या केस स्टडीज़ थे, मोटिवेशन एंड विलिंगनेस पर बात हुई, इसके अलावा कम्युनिकेशन पे बहुत बात हुई, मैंडेट और डोमिनेंस पे काफ़ी बात हुई, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे बात हुई। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, बताने का मकसद क्या है कि स्पोर्ट्स में भी आपको लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ग्रुपिंग, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। और यही मेरा एजेंडा था जो मैंने सोचा आपके साथ, जो मैंने नॉलेज ग्रैस्प किया है 2-3 दिन में वो आपके साथ शेयर करूँ। फिर कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ा, पैरावर्बल के बारे में पढ़ा, विजनरी लीडरशिप के बारे में पढ़ा, फ्रेमवर्क्स को देखे, प्रोसेस को देखे, और कैसे वो अप्लाई होते हैं फ्रेमवर्क्स रियल टाइम केस स्टडीज़ में। और लास्ट पढ़ता हूँ तलीज के इंडिविजुअल गोल वर्सेस टीम ऑब्जेक्टिव, ये मेरा मेन एजेंडा रहेगा कि इंडिविजुअल गोल्स वर्सेस टीम ऑब्जेक्टिव, ये वो पॉइंट था जहाँ पे क्रिकेट की एग्जांपल्स आना स्टार्ट हुई और एक पूरे लम्स के हॉल पे थोड़ा सा लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला एलिमेंट हो गया। और एंड में सर ने ये कहा कि मैं किसी पाकिस्तानी प्लेयर की एग्जांपल्स फिर नहीं देता बड़ा लाइटर नोट पे, क्योंकि हर किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग होते हैं, तो हमने उसको जनरल टर्म लेके लिया, एवरीवन नोस के हु वाज इट। सो स्टार्ट उन्होंने सचिन से किया और थोड़ा सा वो उससे रिलेट नहीं कर रहे थे कि जब भी इंडिया हारता है और उसमें सचिन का 100 होता है, या अदर वे राउंड, जब सचिन 100 करता है तो इंडिया यूजली हारता है। वो कह रहे थे ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन कोई टेक्निकल या लॉजिकल उसके प्रूफ नहीं मिले। अगर आप एनालिटिकल्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें, वो एक बस नंबर गेम थी कि लोग कह रहे हैं उसने 100 किया तो इंडिया हार गया। सेम उन्होंने बाबर को रेफ़र किया जब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि इंडिविजुअल गोल्स और टीम गोल्स होते हैं वो अलाइनमेंट होती है। टीम गोल क्या होता है कि जब आप एज अ ग्रुप ऑफ टीम काम करते हो तो आपका कॉमन गोल होता है कि आपने जीतना है किसी तरह। अगर मैं मैच की बात करूँ, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें उसमें भी इंडिविजुअल्स डिफरेंट है, लेकिन गोल आपका सेम है कि उस प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को अपने डिलीवर करना है। तो सेम जब बाबर की उन्होंने एग्जांपल दी तो उन्होंने यही कहा कि ही इज़ मोर ऑफ अ लाइक जो इंडिविजुअल स्टैट्स पे ज़्यादा करता है, टीम क्या कर रही है, टीम की क्या सिचुएशन है उस टाइम, हमें क्या करना है, रन्स बनाने हैं, पावर हिट यूज़ करनी है, लॉन्ग हैंडल यूज़ करना है, इससे उनका ताल्लुक नहीं था। तो इट क्लियरली शोज़ कि क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट बहुत था, और साथ साथ वो जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे वो क्लियरली शो करता है कि इंडिविजुअल गोल्स पे फोकियत दे रहे हैं बाबर आजम बनिस्बत के टीम जीते, जो उनके स्टैट्स हैं, जो उनके नंबर्स हैं, नंबर 1 रैंक में आना। तो ये चीज़ें काफ़ी पूरे हॉल में गर्मा गर्मी हुई, बड़ा मज़ा आया, डिस्कशन काफ़ी खुली, और इस तरह की चीज़ को आप इंजॉय भी करते हो। इसके अलावा जब बात हमारी आई क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे और लीडरशिप पे, तभी ये बात आई कि एक लीडर है वो कितना एक ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, वेट कर रहा है, प्रोएक्टिव है डिसीजंस लेने में। तो उस पर भी बाबर बोला कि वो बस चीज़ों को चलने देता है वन डायमेंशन, जब स्टैंड लेना हो या कोई चीज़ प्रोएक्टिवली डिसीजन लेने हो तो उनको नहीं पता होता कि मैंने किस बॉलर को कब यूटिलाइज करना है, किस बैट्समैन को कब प्रमोट करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, और जो जो क्रिकेट फैंस थे बड़ा एंजॉय कर रहे थे, मी माई सेल्फ, और बड़ा इस पर हमने लाइक काउंटर डिस्कशंस किए और मज़ा आया। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लाया था आपको बताने के लिए कि जो मेरा लम्स के 2-4 दिन थे बड़े अच्छे गुजरे, और दिस इज़ द रीज़न कि क्रिकेट की काफ़ी बातें थी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोज़ मेरी इंशाल्लाह और भी आती रहेंगी, और लाइव वीडियोज़ ना आने की वजह ये थी कि मैं ऑफिशियली थोड़ा ऑकोपाइड था, इंशाल्लाह वापस आ गया हूँ। पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज भी चल रही है, कोशिश करूँगा कल उस पर एक सेपरेट सेशन करूँ, क्योंकि ये एजेंडा बेस्ड सेशन था जो आपके साथ करना था और किया भी। तो इंशाल्लाह आपके व्यूज़ बड़े अच्छे हैं, मुझे पॉजिटिव 4-5 दिन से आ रहे हैं जब से आई गॉट माय मोनेटाइजेशन बैक, तो वीडियोज इंशाल्लाह चलती रहेंगी और आती रहेंगी, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। और एज पर मैं प्रॉमिस के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैं ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूँ वो भी मेरी बहुत जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और जितने भी आपके सर्कल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आइदर लाइक अर्ली स्टेज पे हैं या अपने कंसेप्ट को इन्हांस करना चाहते हैं, उनके लिए लाइव ट्रेनिंग करूँगा एज पर माई प्रॉमिस मिड ऑफ सेप्टेम्बर से, इंशाल्लाह ऑलरेडी सेप्टेम्बर स्टार्ट हो गया है। तो बस ये वाला थोड़ा सा एक लाहौर का रिकैप करने आपके साथ आया था कि हाउ वाज द सेशन और कैसे
वहाँ भी क्रिकेट इनरोल हुई और कैसे क्रिकेट को एज एन एनालॉजी उन्होंने एक्सप्लेन किया विद हेल्प ऑफ सचिन विद हेल्प ऑफ बाबर। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको अलाउ करती हैं, आपको हेल्प करती हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर करो और समझने में बड़ी आसानी होती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपके साथ ये मैंने शेयरिंग की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन अगर आप अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस किए, और जो नॉर्मल वीडियोज़ होती हैं शॉर्ट्स वो भी मेरी इंशाल्लाह ताला जल्द आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और जिस तरह आप लोग सजेस्ट करते रहते हैं, यहाँ पे कमेंट्स बड़े पॉजिटिव क्वालिटी शोरूम्स पे आ रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी जो मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ होगी उस पर भी आपके ऐसी कमेंट्स आएंगे। तो टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को अगेन लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।